अशोकनगर नगर पालिका के 22 में से करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा पार्षद एवं कुछ महिला पार्षदों के पतियों ने नगर पालिका अध्यक्ष एवं प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भर बरसात में सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्षदों ने लंबे समय से कमरे में बंद रखे 25 लाख की स्ट्रीट लाइट के सामान का उपयोग न होने के कारण यह विरोध किया। इन पार्षदों ने भींगते हुए सड़क पर बैठकर कई घंटों तक लोगों का ध्यान खींचा। साथ ही नापा के विरोध में इन प्रदर्शन में सभी दलों के पार्षद शामिल हुए। नगरपालिका के करीब आधे से ज्यादा पार्षद एवं उनके प्रतिनिधि नगरपालिका कार्यालय के सामने सड़क पर ही भरी बरसात में बैठ गए और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने बताया कि नगरपालिका अध्यक्ष एवं प्रशासनिक अधिकारी लगातार उनकी मांग की उपेक्षा कर रहे हैं। बीते कई माहों से उन्होंने लगातार प्रशासन एवं नगरपालिका अधिकारी कर्मचारियों को इस सामान के उपयोग की बात कही है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि शहर की कई सारी गलियां अंधेरे में है, लाखों रुपए का सामान एक बंद कमरे में धूल खा रहा है, मगर इसके बाद भी नहीं इसका उपयोग नहीं किया जा रहा। इसी मुद्दे को लेकर आज यह अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान महिलाएं भी उपस्थित रहीं, साथ ही कुछ दूसरे पार्षद या उनके प्रतिनिधि भी रहे। 22 पार्षदों की इस नगर पालिका में 17 पार्षदों के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही जा रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी ये पार्षद और शहर के दूसरे लोग इस तरह के आरोप लगा चुके हैं कि 25 लाख रुपए का जो स्ट्रीट लाइट का सामान आया है उसमें कमीशन खोरी का एक कोई बड़ा कारण है, जिस वजह से इसका उपयोग नहीं किया जाए। अन्यथा कोई कारण नहीं होता कि एक वर्ष से अधिक समय होने के बाद भी इस सामान का उपयोग नहीं किया गया और लोग लाइट न होने या सामान न होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। हम लोग सब पार्षद 25 लाख रुपए की लाइट रखी हुई है कमरे में, एक साल हो गया। हम लोग सारे लोग इतने एक साल से चिल्ला रहे हैं, भैया उसे रिपेयरिंग करके उसी को ठीक कर दे, इधर की उधर रिपेयरिंग कर करके सारे शहर में अंधेरा है, नई लाइट रखी है 25 लाख की, आप बताओ। और ये लोग लगा नहीं रहे हैं। कब से है ये? कब से है? बहुत दिन से हो रही है, वो कह रहे हैं बस अब लगाएंगे। लगाते ही नहीं है। 25 लाख रुपए की लाइट बेकार हो रही है कि नहीं हो रही? शहर में लगने आई है, फिर क्यों नहीं लग रही शहर में? हम लोग करीब एक घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया लगातार। 17 पार्षद और आ रहे हैं सभी। समाज में बच्चियों को सम्मान दिलाने एवं बालक बालिकाओं के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से अशोकनगर में महिला बाल विकास विभाग की तरफ से बिटिया बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बेटी उत्सव एवं जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय माधव सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अशोकनगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में रहीं, साथ ही जिले के तमाम दूसरे अधिकारी भी इस कार्यक्रम में रहे। कार्यक्रम में 157 बच्चियों का सामूहिक जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। इनको केक काटकर आशीर्वाद और एवं शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही इस अवसर पर इन बच्चियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ भी दिया गया। अशोकनगर प्रशासन के द्वारा बच्चियों को समाज में सम्मान दिलाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में डॉक्टर मंजू शर्मा ने कहा कि सभी माताएं अपनी बच्चियों को सशक्त बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें, बच्चियों को निर्भीर निडर एवं शिक्षित कर सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसित करें। जन्मोत्सव मनाकर जो रोशनी की गई है वह हमेशा जगमगाती रहे और आगे भी इस तरह की रोशनी जारी रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह की सामाजिक चेतना से सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। इस अवसर पर 57 बच्चियों का एक साथ जन्मोत्सव मनाया गया, केक काटा गया और इन सभी बच्चियों को शुभकामनाएं दी गई। कलेक्टर ने 3 माह की कुमारी चाहत और 1.5 माह की कृषिका तथा उपस्थित पतियों माताओं द्वारा अपनी बच्चियों को केक काटकर बिटिया होने का जन्मोत्सव भी मनाया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने सभी बच्चियों को जो आई थी उनमें से 37 लड़कियां जो चयनित की गई थी जिनको लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र भी दिया गया।